अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये क्लास है ये 12th वालों के लिए, हम आपको याद ही होगा कि हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री में आप तक सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट तो हो गया था, इसमें एडसॉर्प्शन का पार्ट हो गया था, फिर उसके बाद कोलाइड्स स्टार्ट हो गए थे। कोलाइड्स में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स देखी एंड प्रेपरेशन ऑफ कोलाइड्स हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक में स्टार्ट किया था, इसको हम सेकंड पार्ट आज का बोलेंगे। उसमें हमने ये बोला था कि जैसे ही आप कोलाइड्स को प्रिपेयर करोगे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारे कोलाइड्स है, उस वक्त बोला था हमने ये लाइओफिलिक हो सकते हैं एंड नंबर सेकंड दूसरा क्या लाइओफोबिक कोलाइड्स हो सकते हैं। उस वक्त मैंने ये भी बोला था कि जो ये लाइओफिलिक कोलाइड्स है इट मींस इसका जो डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम है इसके दरमियान ग्रेट एफिनिटी है, दैट मींस लव है, ये आपस में मिलना चाहते हैं, दैट मींस दे आर फॉर्मड, दे आर प्रिपेयर्ड इजिली, ये इजिली प्रिपेयर हो जाता है। कौन सा हमारा लाइओफिलिक कोलाइड हमारा इजिली प्रिपेयर हो जाता है एज सून एज द टू फेसेस आर मिक्सड। जैसे ही आप दो फेस को आपस में मिक्स करोगे आपका लायोफिलिक कोलाइड बन जाएगा। लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम क्या थी हमारी, प्रॉब्लम ये लायोफोबिक की थी, ये इजिली नहीं बन रहा था, ये बनेगा विथ डिफिकल्टी ये बनेगा। उस वक्त हमने बोला था लायोफोबिक मींस इसको वाटर से डर लगता है, क्या फोबिया है इसको, दैट मींस इट डज नॉट वांट टू रिएक्ट विथ वाटर और सॉल्वेंट, डज नॉट वांट टू रिएक्ट विथ सॉल्वेंट, ये नहीं चाहता कि मैं सॉल्वेंट के साथ मिलूं, दैट मींस जो इसकी फॉर्मेशन होगी इस कोलाइड की दैट will not be easy, that will not be what is, ठीक है। ये हमने लास्ट पे डिस्कस किया हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स पार्ट फर्स्ट वो देख ले, ठीक है। साथ साथ मैंने ये भी बोला था कि जो ये हमारा लायोफोबिक कोलाइड है इसके लिए स्पेशल मेथड्स आए हैं प्रिपरेशन के लिए, स्पेशल मेथड्स ये बोला था उस वक्त हमने, दैट मीन्स जो आपकी बुक्स पे स्पेशल मेथड्स आए हैं कोलाइड्स की प्रिपरेशन के लिए वो किस कोलाइड के लिए है, दैट इज फॉर लायोफोबिक कोलाइड, एंड जो ये लायोफिलिक कोलाइड है इसके लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं है क्योंकि ये इजिली बन जाता है जैसे ही आप टू फेसेस को आपस में मिलाओगे, ठीक। अब ये स्पेशल मेथड जो हम पढ़ रहे थे उस वक्त हमने बोला था कि ये दो किस्म के मेथड्स हैं जिससे आप क्या करोगे, जिससे आप लायोफोबिक कोलाइड को क्या करोगे, लायोफोबिक कोलाइड को इसको प्रिपेयर करोगे, ठीक। कौन कौन सा मेथड बोला था हमने, बोला था फर्स्ट इट इज डिस्पर्शन मेथड या इसी का दूसरा नाम हमने बोला था डिसइंटीग्रेशन मेथड, ठीक। एंड नंबर सेकंड हमने बोला था कंडेंसेशन मेथड, क्या बोला था कंडेंसेशन या इसी का दूसरा नाम है इट इज एग्रीगेशन, ठीक। लास्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने इसको पढ़ लिया था डिस्पर्शन मेथड को, हमने बोला था कि ये जो डिस्पर्शन मेथड है ये मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड हो सकता है, जैसे कि उसमें फर्स्ट था जिसमें आपने कोलाइड मिल इस्तेमाल की थी, एंड नंबर सेकंड हमने बोला था ब्रिडिक्स ऑरक मेथड, नंबर थर्ड मेथड हमने उस वक्त बोला था बाय पेप्टाइजेशन, दैट मींस कि जो हमारा लास्ट टॉपिक लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिसइंटीग्रेशन मेथड्स या आप ये बोल सकते हो डिस
पर्शियन मेथड्स पढ़ लिए थे, आज के जो आपके मेथड्स पढ़ने जो है दैट इज कंडेंसेशन मेथड। आपको कंडेंसेशन मेथड से क्या करना पड़ेगा, आपको कंडेंसेशन मेथड या इसी का नाम क्या है आपका दूसरा एग्रीगेशन मेथड से क्या करना पड़ेगा, लायोफोबिक कोलाइडर्स को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा प्रिपेयर। ठीक, लेकिन पहले जब हम ये देख लें कि ये मेथड्स है क्या, इसमें देख लीजिए नॉर्म क्या है, एग्रीगेशन कंडेंसेशन दैट मींस इस वक्त जो डिस्पर्सड फेस के पार्टिकल्स है, किसके पार्टिकल्स, डिस्पर्सड फेस के पार्टिकल्स जो आपको कोलाइड बनाना है उसको आप क्या कर रहे हो, इनको आप एग्रीगेट कर रहे हो, एग्रीगेट कर रहे हो, दो तीन चार पार्टिकल्स को आप एग्रीगेट कर रहे हो, कंडेंस कर रहे हो, दैट मींस दीज पार्टिकल्स हैव स्मॉल साइज। आप किन पार्टिकल्स पे लगा रहे हो कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड, उन पार्टिकल्स पे जिनका साइज पहले क्या है, स्मॉल है, दैट मींस हो सकता है ये किस कैटेगरी में आ गए हो उस वक्त, ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसी को चेंज करना है कोलाइडल रेंज में या कोलाइडल फॉर्म में, इससे आपको क्या, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन इन स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स डिस्पर्सन फेस पार्टिकल्स को आपको कंडेंस करना पड़ेगा, इनको एग्रीगेट करना पड़ेगा ताकि ये किस रेंज में आ जाए, ताकि ये कोलाइडल फॉर्म में आ जाए। हमें क्या याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट यहां पे कि जो आपके डिस्पर्सन फेस पार्टिकल्स है जिनसे आपको क्या बनाना है, कोलाइडस बनाना है, फिलहाल वो क्या है हमारे, स्मॉल इन साइज, एंड यू हैव टू ब्रिंग देम इन कोलाइडल फॉर्म। आपको इन्हीं पार्टिकल्स को कोलाइडल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, चेंज करना है। ठीक, अब देख लीजिए, जैसे ही आपने एग्रीगेशन मेथड में देखा था, सॉरी डिसइंटीग्रेशन मेथड में देखा था कि ब्रीडिंग सारक मेथड है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, पेप्टाइजेशन, इसी तरह इसके चार टाइप्स है, कितने टाइप्स है हमारे, फोर टाइप्स ऑफ मेथड्स, या आप ऐसे बोलोगे फोर मेथड्स है किसके, कंडेंसेशन या एग्रीगेशन मेथड्स के, इस टाइप के कितने, फोर मेथड्स है। एंड नंबर फर्स्ट मेथड That is by chemical reactions. That is by what? That is by chemical reactions. Chemical reactions. अच्छे से देख लीजिए, ठीक, आपको क्या करना है, आपको इस वक्त कोलाइडस प्रिपेयर करने हैं, किसका कोलाइड, स्मॉल इन साइज जो पहले ही था, ठीक, पार्टिकल्स, उनका कोलाइड बनाना है, मगर ये कोलाइड आपको कैसे बनाना है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक, अब यहां पे देख लीजिए, अगर आपको, ठीक, या यहां पे देख लीजिए, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जो आप यूज कर रहे हो दैट इज डबल डिकम्पोजिशन, दैट इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, इस डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से आप क्या करोगे, आपको कोलाइडल सॉल्ट बनाना है, आपको कोलाइडल सॉल्ट बनाना है, किसका कोलाइडल सॉल्ट, फॉर एग्जांपल आपको ये कोलाइडल सॉल्ट बनाना है, ऑक्सीजन सल्फाइड का कोलाइडल सॉल्ट आपको बनाना है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, देख लीजिए आप क्या कर रहे हो, यू आर पासिंग, वी यहां भी हम लिखेंगे, वी हैव टू पास, हमें क्या पास करना पड़ेगा, H2S gas through dilute solution of arsenious oxide. Dilute solution of what? It is arsenious oxide. ठीक है, arsenious oxide. ठीक, देख लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हमें chemical reaction से क्या करना है, colloids बनाने हैं। लेकिन ये याद रखिएगा दिमाग में कि कोलाइडस आप बना रहे हो उन पार्टिकल से जो कोलाइडल रेंज से बहुत कम, जिनका साइज है, उनको लाना पड़ेगा आपको कोलाइडल साइज में। उसके लिए पहला मेथड केमिकल मेथड्स है, जिसको आप ये बोल सकते हो कि दीज आर द केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या बनाते हैं, अपना कोलाइडस बनाते हैं, जैसे कि डबल डिकम्पोजिशन। मैंने, हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें
इसके डाइल्यूट सॉल्यूशन से AS2O3 क्या पास करना पड़ेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। जैसे ही आप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहां पे क्या करोगे, इस थ्रू पास करोगे, आप देख लीजिए इस यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ASN ऑक्सीजन, ये ब्रेक हो जाएगा। एंड इसी तरह ये भी किस में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड सल्फर में, हाइड्रोजन एंड सल्फर में। अब यहां पे क्या बन जाता है हमारा, दैट इज AS2S3, ये इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ मिल जाके यहां पे अपना वाटर बना लेगा, क्या बना लेगा हमारा वाटर। ठीक, क्या बोला हमने, हमने बोला कि डबल डिस्प्लेसमेंट से क्या करोगे आप अपना कोलाइड प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे, आपको H2S गैस पास करना पड़ेगा आर्सेनियस ऑक्साइड से, अगर आपको आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल बनाना है। यहां पे क्या बन गया, ये आपका कोलाइडल सॉल बन गया। लेकिन डबल डिकम्पोजिशन इसका नाम क्यों पड़ा, अगर इस कंपाउंड की तरफ देखोगे ये भी डिकम्पोज हो गया आर्सेनिक एंड किसमें, ऑक्सीजन में। अगर यहां पे देखोगे ये डिकम्पोज हो गया हाइड्रोजन एंड सल्फर में, डिकम्पोजिशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन किसी किसी बुक पे डबल डिस्प्लेसमेंट भी लिखा होगा, क्या लिखा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख लीजिए डबल डिकम्पोजिशन आपने देख लिया, ये भी डिकम्पोज हुआ, ये भी डिकम्पोज हुआ, दो बार डिकम्पोज हुआ, तभी हम इसको डबल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये जो यहां पे आर्सेनिक एंड यहां पे हाइड्रोजन है, ये क्या करते हैं, ये अपने आयन्स को क्या एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन यहां चला जाता है, सल्फर यहां आ जाता है। दैट मीन्स ये अपने आयन्स को भी क्या करते हैं, एक्सचेंज, ये भी एक्सचेंज करता है, फर्स्ट एक्सचेंज, सेकंड एक्सचेंज, दैट मींस डिस्प्लेस करता है। दैट मींस किसी किसी बुक पे डबल डिकम्पोजिशन के साथ साथ डबल डिस्प्लेसमेंट भी लिखा होगा, क्या लिखा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, हमने देख लिया कि हमारा जो ये कंडेंसेशन मेथड है या हमारा जो ये एग्रीगेशन मेथड है, ये तब हम यूज करते हैं जब हमारा पार्टिकल्स बहुत कम साइज के होते हैं। ठीक, तो फिर हमें एग्रीगेट करना पड़ेगा, कंडेंस करना पड़ेगा, ताकि हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाए। पहले हमने देख लिया केमिकल रिएक्शंस की वजह से, पहली केमिकल रिएक्शन जो हमने देखी, दैट वाज डबल डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट, बाय विच यू कैन फॉर्म कोलाइडल सॉल, डिफरेंट कोलाइडल सॉल्स। हमने जो एग्जांपल ले ली, दैट वाज आर्सेनस सल्फाइड। ठीक है, हाँ, अब हम दूसरी इक्वेशन यहां पे केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, दैट इज रिडक्शन, दैट इज व्हाट, रिडक्शन तो आपको पता ही है। ठीक, हाँ, ये रिडक्शन देख लेते हैं पहले है क्या, यहां पे देख लीजिए रिडक्शन। ठीक, रिडक्शन के बारे में क्या क्या सुना है आज तक, कि जब कहीं पे हाइड्रोजन ऐड हो जाए, जब हाइड्रोजन ऐड हो जाए, दैट इज व्हाट, दैट इज रिडक्शन। या आपने देखा होगा अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, इट इज आल्सो व्हाट, इट इज रिडक्शन। ये बात तो क्लियर है कि जब आप रिडक्शन को डिफाइन करते हो, तो हम उस वक्त ये बोलते हैं कि हमारी जो ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन क्या है, ये रिडक्शन हाइड्रोजन एड रिडक्शन, ऑक्सीजन रिमूव रिडक्शन। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आप बोलते हो, जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, रिलीज, दैट इज ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी स्पीशीज ने एक्सेप्ट किए, दैट विल बी ऑक्सीडेशन, ये याद रखिएगा, सॉरी, दैट विल बी रिडक्शन, दैट विल बी रिडक्शन। देख लीजिए क्या बोल रहा हूं मैं, ये यहां पे हमें लगेगा, जरूर लगेगी इसकी। रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि रिडक्शन क्या है हमारा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड हो जाए, हम बोलते हैं कि रिडक्शन हो गया है, या अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, हम उस वक्त भी बोलते हैं कि रिडक्शन हो गई है। ठीक है, साथ साथ अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज किए किसी स्पीशीज ने, हम बोलते हैं कि इस पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, एंड इसका क्या, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाता है।
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे ले लें सोडियम को, इसका स्टेट जीरो है न्यूट्रल, जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, दैट मींस इलेक्ट्रॉन लॉस करने से इस पे क्या चार्ज आ जाती है, इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक. एंड यहां पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाता है. अब यहां पे क्या करना है, हमें रिडक्ट करना है, रिडक्शन से. फॉर एग्जांपल अगर आपको गोल्ड दिया जाए, सिल्वर दिया जाए, प्लैटिनम दिया जाए, अगर आपको इनका कोलाइडल सॉल बनाना हो, इनका क्या बनाना हो, कोलाइडल सॉल, तो फिर उस वक्त क्या करना पड़ेगा आपको, ये याद रखिएगा, द सॉल्ट्स ऑफ दीज मेटल्स, सॉल्ट्स ऑफ दीज मेटल्स, दीज मेटल्स, इनका जो सॉल्ट है ये आपको रिएक्ट कराना पड़ेगा किसके साथ, रिड्यूसिंग एजेंट, कि जैसे ही आपको रिडक्शन थ्रू रिडक्शन आपको कोलाइडल सॉल बनाना हो, किसका कोलाइडल सॉल, गोल्ड का, सिल्वर का एंड प्लेटिनम का, गोल्ड सॉल बनाना है, इनका सॉल बनाना है, मेटल का सॉल बनाना है, विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन आपको इन मेटल्स का क्या करना पड़ेगा, इनका सॉल्ट लेना पड़ेगा. जैसे ही आपने इनका सॉल्ट लिया, इन सॉल्ट्स को किसके साथ आपको ऐड कर, आपको ऐड करना पड़ेगा ये रिसिटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे गोल्ड का क्लोराइड ले लूं, क्या ले लूं मैं, गोल्ड का क्लोराइड एंड साथ साथ स्टेनियस क्लोराइड के साथ इसको मिक्स करूं, यहां पे मुझे डेफिनेशन भी देनी है रिड्यूसिंग एजेंट की. ठीक ठीक है, तो यहां पे क्या कर लो, यहां पे 2 टाइम्स ले लो, यहां पे भी 2 टाइम्स ले लो, यहां पे आपका गोल्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका गोल्ड, एंड इट विल बी 3 टाइम्स स्टेनियस क्लोराइड. ठीक है, यहां पे जो बन गया आपका, इट इज सॉल ऑफ गोल्ड, ये किसका सॉल बन गया आपका, गोल्ड का सॉल. लेकिन मुझे बोलिए कि एक्चुअली यहां पे रिडक्शन हो गई है कि नहीं हो गई है, रिडक्शन का पता है आपको क्या, इट इज इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट. अब यहां पे मुझे बोलिए, अगर यहां पे देख लीजिए, इस यहां पे ले लीजिए आप, यहां पे क्लोरीन कितने हैं, 3, दैट मींस 3 चार्ज माइनस, इसका मतलब इस गोल्ड पे क्या हो गया है, प्लस 3 चार्ज है, तभी तो ये हो जाएगा बैलेंस, तभी तो ये हो जाएगा न्यूट्रल, क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, जब क्लोरीन पे 3 है, यहां पे भी क्या है, 3. ठीक. अब यहां पे देख लीजिए इस गोल्ड को, प्रोडक्ट साइड में गोल्ड पे कौन सी चार्ज है, 0, गोल्ड पे कौन सी चार्ज है, 0. इस जगह पे इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए थे, मैंने बोला है जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा तब उस पे कौन सी चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस यहां पे इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए थे. फॉर एग्जांपल अब यहां पे इसने कोई लॉस नहीं किया है, इसका मतलब ये 3 जो इसने लॉस किए थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, इसने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, एक्सेप्ट. यहां पे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट होता है तब आपका क्या बन जाता है, तब आपका रिडक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, रिडक्शन. दैट मींस जैसे ही आपने गोल्ड का क्लोराइड, इसका सॉल्ट स्टेनियस क्लोराइड, यहां पे क्या एक्ट करेगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट. अभी बोलूंगा मैं ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्या, ये रिड्यूसिंग एजेंट है क्या. ठीक. अब यहां पे ये गोल्ड देख लीजिए, ये आपका गोल्ड का सॉल बन गया, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, प्लस 3, यहां से यहां इसने इलेक्ट्रॉन 3 एक्सेप्ट किए हैं, दैट मींस इस पर क्या हो गया है, रिडक्शन, तभी हमने इस रिएक्शन का नाम रखा है यहां पे रिडक्शन. यहां रिएक्शन पढ़ा था आपने डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वजह से आपने आर्सेनिक सल्फाइड का बनाया था कोलाइड, इस वक्त आप मेटलिक कोलाइड बनाने की कोशिश करोगे तो आपको रिडक्शन करना पड़ेगा. कैसे रिडक्शन करोगे, इन मेटल्स का सॉल्ट, सीटेबल सॉल्ट आपको किसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, आपका सॉल्ट यहां पे बन जाएगा. अब इसको आप रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोलते हो, देख लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे जो हमारा ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, किसका रिडक्शन, गोल्ड का. अगर ये यहां पे मौजूद नहीं होता, यहां पे कुछ मौजूद नहीं होता,
तो यहां पे इसका रिडक्शन नहीं होता दैट मींस इसका जो रिडक्शन हुआ इट हैज टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ दिस तभी हम इसको बोलते हैं यहां पे इट इज रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोला हमने रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ दिस द सॉल्ट ऑफ गोल्ड गेट्स रिड्यूस्ड एंड हमें यहां पे क्या मिल गया सॉल्ट ऑफ द गोल्ड सॉल्ट ऑफ द गोल्ड मिल गया हमें यहां पे ठीक एंड दूसरी बात यहां पे देख लीजिए क्लोरीन कितने हैं 2 माइनस 2 एंड 3 पर क्या होना चाहिए प्लस 2 यहां पे देख लीजिए आ जाइए यहां माइनस 4 क्योंकि 4 है प्लस 4 दैट मींस यहां से लेके यहां तक इस 3 ने और 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है क्यों कैसे पता चला क्योंकि यहां पे प्लस 2 चार्ज था यहां पे प्लस 4 चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं लॉस तो फिर इसको क्या हो गया है ऑक्सीडेशन हमें पता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे ऑक्सीडेशन हो जाएगी ठीक है दैट मींस जो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है इट इज अ केमिकल स्पीशीज याद रखिएगा इट इज अ केमिकल स्पीशीज व्हिच हिमसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन देख लीजिए खुद इसको ऑक्सीडेशन हो गए व्हिच हिमसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन बट reduces another हाँ ठीक क्या बोला हमने हमने पहले ये बोला कि जो ये reducing agent है हमने लिखा है यहाँ पे कि आपको जब metallic salt बनाना हो तो आपको reducing agent से pass करना पड़ेगा इसको तभी हम बोल रहे हैं reducing agent क्या है वो chemical species जो खुद oxidize हो जाए लेकिन दूसरे को क्या करेगा reduce ठीक है number third reaction that is oxidation hi maine dekh lijiye ye fir ek bar main likhta hu yahan pe electrons kya likha tha humne electron release theek ab yahan pe kya karna hai number third aapko oxidation dekhna padega abhi aapne kya dekha pehle reduction रिडक्शन क्या होता है जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जाता है ठीक अब ऑक्सीडेशन पे देख लीजिए क्या ऑक्सीडेशन यहां पे देख लीजिए यहां पे ठीक यहां पे देख लीजिए अब ऑक्सीडेशन क्या होता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना पड़ेगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा तो हमारा हो जाएगा रिडक्शन ठीक अगर यहां पे आपको सॉल्व बनाना पड़ेगा किसका सॉल ऑफ कोलाइडल सॉल ऑफ सल्फर आपको सल्फर का क्या कोलाइडल सॉल बनाना पड़ेगा किसका सॉल बनाना है आपको सल्फर का तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा वी हैव टू पास द H2S गैस व्हाट इज H2S इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें सल्फर है थ्रू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लीजिए रिडक्शन में हमने ये बोला था कि आपको जो ये गोल्ड जो आपके पास है प्लेटिनम जो आपके पास है जो सॉल्ट इनके सॉल्ट आपको किसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इस वक्त मैं बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है आपको H2S को पास करना है थ्रू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तभी आपको यहां पे क्या बन जाएगा यहां पे आपका क्या बन जाएगा यहां पे सल्फर का बन जाएगा आपको फॉर एग्जांपल H2S प्लस Br2 ये Br क्या है दिस ब्रोमीन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट This is the oxidizing agent here. ठीक अब देख लीजिए कैसे है oxidizing agent क्या बनाएगा ये It will give you HBr2 times. देख लीजिए 2H2Br plus sulfur. ये sulfur का क्या बन गया आपका It is colloidal salt. ठीक अब जो आपने इस वक्त ये colloidal salt बनाया ये आपने किस reaction से बनाया Double decomposition no. आपने ये रिडक्शन से बनाया नहीं तो फिर देखते हैं कैसे बन गया ये ठीक है हम देखते हैं यहां पे देख लीजिए यहां पे देख लीजिए इस पे कितने है चार्ज -2 क्या है -2 हां अब यहां पे आ जाइए इस पे क्या है चार्ज 0 इस पे क्या है चार्ज 0 इसका मतलब
इस पर दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, अब इस पर चार्ज तभी जीरो आ सकती है जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लॉस करेगा, एंड इलेक्ट्रॉन जब लॉस होगा यहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, दैट मींस यहां पे हो गई है ऑक्सीडेशन, क्या हो गई है ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से हमारा सल्फर का कोलाइडल सॉल्व यहां पे बन गया, सल्फर का कोलाइडल सॉल्व यहां पे बन गया। चलो जी ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया कि आपको कोलाइडल सॉल्व बनाना होगा, किसका कोलाइडल सॉल्व, सल्फर का, तो H2S को आपको पास करना पड़ेगा, कहां से पास करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक मिनट यहां पे देख लीजिए एक बार फिर, H2S plus Br2 gives us HBr plus S, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास करना पड़ेगा। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, इस ब्रोमीन पर क्या है हमारा, जीरो, ठीक। अब देख लीजिए यहां पे, देख लीजिए इसके पास प्लस वन, इसके पास माइनस वन, इट मींस कि इसने इलेक्ट्रॉन ये क्या एक्सेप्ट किया है, क्या किया है एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन, जब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसको क्या हो गया है, रिडक्शन। हाँ, इसको हमने क्या नाम दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तब हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज केमिकल स्पीशीज, क्या है ये, केमिकल स्पीशीज विच हिमसेल्फ हिमसेल्फ अंडरगोज अंडरगोज व्हाट, अंडरगोज रिडक्शन, खुद तो यू रिड्यूस हो जाता है बट ऑक्सीडाइजेस अनदर, ऑक्सीडाइजेस अनदर, उसका जो हमने रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन लिखी थी उसका बिल्कुल अपोजिट, उस वक्त हमने बोला था वो खुद ऑक्सीडाइज होता है, दूसरे को रिड्यूस करता है, इस वक्त हम बोलते हैं खुद रिड्यूस होता है एंड दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। नंबर फोर्थ रिएक्शन जो आप यूज कर सकते हो कोलाइडल सॉल्व बनाने के लिए, हाइड्रोक्साइड्स बनाने के लिए, इनफैक्ट यू कैन यूज वर्ड हाइड्रोक्साइड्स, दैट इज द हाइड्रोलिसिस, दैट इज हाइड्रोलिसिस, दैट इज हाइड्रोलिसिस, ठीक। अब देख लीजिए फॉर एग्जांपल आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं, आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाना है, आपको अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, इससे क्या करना पड़ेगा आपको, आपको करना पड़ेगा दे क्लोराइड्स ऑफ मेटल्स, ये जो मेटल आपके हैं आयरन यहां पे और यहां पे अल्मोनियम, इनके क्लोराइड्स को आपको रिएक्ट कराना पड़ेगा किसके साथ, वाटर के साथ, तभी तो हम इसको हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, जब वाटर के साथ आप रिएक्ट करोगे, क्या बोला हमने, हाइड्रोलिसिस कराओ, जब हाइड्रोलिसिस के थ्रू आपको बनाना पड़ेगा कोलाइड्स, तो फिर क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सा कोलाइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर आपको फेरिक क्लोराइड लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहां पे बोला है क्लोराइड साथ मेटल, आपको क्लोराइड साथ मेटल लेना है एंड इसको किसके साथ ऐड करना है, वाटर के साथ, आपका वहां पे क्या बन जाएगा, FeOH3 एंड इट विल बी HCl, इट विल बी व्हाट, HCl, ठीक है। क्या लिखा हमने यहां पे, हमारा क्या बन गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एंड दिस फेरिक हाइड्रोक्साइड इज इन द कोलाइडल रेंज, आप बोल सकते हो कोलाइडल सॉल्व ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। दिस वाज द फर्स्ट मेथड बाय केमिकल रिएक्शंस हाउ वी कैन प्रिपेयर कोलाइड्स। नाउ नंबर सेकंड, हमने बोला था कि चार टाइप्स है इसके, चार मेथड्स है, वो तो बाकी बहुत ही आसान है, यही थोड़ा लंबा सा था। हाँ, देख लीजिए यहां पे नंबर सेकंड मेथड, व्हाट इज नंबर सेकंड मेथड, बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज, बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज, बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज, क्या बोला हमने, बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज, ठीक है, बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज, इसका मतलब हुआ कि आपको सॉल्वेंट चेंज करना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा, सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप फास्फोरस की बात करोगे, किसकी बात कर रहे हैं हम, फास्फोरस की बात, इट इज सॉल्युबल इन अल्कोहल, इट इज सॉल्युबल इन व्हाट, इट इज सॉल्युबल इन अल्कोहल, अगर ये अल्कोहल में सॉल्युबल है
तो फिर इसका जो ये मिक्सचर बन गया इसको आप किस में ऐड करो, वाटर में। किस में ऐड करोगे? वाटर में। ठीक, वाटर में क्या हो जाएगा? वाटर में इसका कोलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसका कोलाइड, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल रहेगा, और इसके पार्टिकल्स आपस में कंडेंस हो जाएंगे। किसके पार्टिकल्स आपस में कंडेंस हो जाएंगे? इसके फास्फोरस के पार्टिकल्स आपस में कंडेंस हो जाएंगे, और इसका क्या बन जाएगा आपका? इसका आपका कोलाइडल सॉल बन जाएगा, कोलाइडल सॉल बन जाएगा। ठीक, क्यों हमने ये क्यों बोला यहां पे? हमने चैप्टर के पहले ही दिन जब हम कोलाइडल साइंस पढ़ रहे थे, मैंने बोला था जब आप इस NaCl को वाटर में सॉल्यूशन बनाओगे, इट बिहेव्स एज क्रिस्टलोइड, और यू कैन से ट्रू सॉल्यूशन। जैसे आप NaCl को किस में ऐड करोगे? वाटर में, ये आपका क्रिस्टलोइड बन जाएगा। क्रिस्टलोइड क्या होता है? अपना क्रिस्टलोइड होता है जो पारिशमेंट मेम्ब्रेन से पास हो जाए। उस वक्त मैंने ये भी बोला था अगर इसको बेंजीन में ऐड करोगे इट विल बी कोलाइड। सिर्फ हमने यहां पे क्या चेंज किया? हमने सिर्फ यहां पे वाटर चेंज किया। क्या किया हमने? सॉरी, सॉल्वेंट चेंज किया। वही सॉल्वेंट में यहां पे चेंज कर रहा हूं। इट वाज सॉल्युबल इन अल्कोहल, अब मैं इसका चेंज करके किस में लाता हूं? वाटर में लाता हूं। इट विल बिकम कोलाइड। जैसे कि यहां पे ये क्रिस्टलोइड था बेंजीन में, ये क्या बन गया? कोलाइड। ये इट वाज फॉर एग्जांपल क्रिस्टलोइड इन अल्कोहल, जैसे ये वाटर में इसको डिप करोगे इट विल बिकम कोलाइड। ठीक, नंबर थर्ड by excessive cooling, ठीक है, कूलिंग तो आपको पता ही है, आपको कूल करना पड़ेगा आइस वाटर से, किसी चीज को आपको कूल करना पड़ेगा। देख लीजिए, अगर आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का कोलाइड बनाना हो वाटर में, किसमें बनाना हो? वाटर में। क्या बनाना हो? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, फॉर एग्जांपल CCl4 और ईथर। जैसे आप इनका कोलाइड बनाने की कोशिश करोगे, इसको आप आइस वाटर में डालना होगा, उससे क्या हो जाएगा? ये बहुत कूल होके क्या करेगा? कंडेंस हो जाएगा, एंड कंडेंस के साथ साथ इसका क्या बन जाएगा? कोलाइडल सॉल्ट। क्या बन जाएगा इसका? कोलाइडल सॉल्ट। दीज आर वेरी मच इजी। आपको ईथर या CCl4 आइस वाटर में डालना पड़ेगा, जैसे आप आइस वाटर में डालोगे ये कंडेंस होके आपका कोलाइडल सॉल बना देगा। ठीक है, नंबर फोर्थ, बाय चेंजिंग फिजिकल स्टेट, बाय चेंजिंग फिजिकल स्टेट, या आप इसको बोल सकते हो बाय कंडेंसिंग वेपर्स इनटू ए सॉल्वेंट। ठीक, अगर मैं बोलूं सल्फर की बात करेंगे यहां पे एंड मरकरी की बात करेंगे, किस किस की बात कर रहे हो आप? सल्फर एंड मरकरी की बात करोगे, इसको पोजीशन स्टेट चेंज करो, वेपर में लाओ इसको, किस में लाओ? वेपर में। ठीक, अब इसके वेपर्स किस में आप कंडेंस कराओ? वाटर में या किसी और सॉल्वेंट में। ठीक, उधर क्या बन जाएगा आपका? कोलाइडल सॉल। किसका कोलाइडल सॉल? अगर सल्फर के वेपर्स है तो सल्फर का, अगर मरकरी के वेपर्स है तो मरकरी का। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको? आपको सिर्फ वेपर्स ऑफ सल्फर और मरकरी ये हैव टू कंडेंस देम इनटू अ सॉल्यूशन, एंड उस वक्त आपको क्या बन जाएगा? उस वक्त आपका कोलाइडल सॉल बन जाएगा। जैसे कि हमने ग्रिडिक्स आरएफ मेथड में कल देखा था कि जैसे ही वो एवोपरेट होने की कोशिश कर रहे थे मेटलिक मेटल्स, उसको वाटर कंडेंस करता था, वाटर में वो कंडेंस हो जाता था, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता। इसी तरह इसके और इसके वेपर्स को आप वाटर में या किसी एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में कंडेंस करा सकते हो, इसमें आपका कोलाइडल सॉल बन सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल, एंड नेक्स्ट टॉपिक कल इंशाल्लाह हमारा होगा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल, व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। टिल देन अल्लाह हाफिज़।